सीए से रिलेटेड जो सभाएं हो रही है सीए के खिलाफ के अंदर, तो कल आपने एक ऐसा बताया जा रहा है कि विवादित बयान दिया कि अगर उनके जो बाप लोग हैं वो पहले अंग्रेजों के कलवे चाट रहे थे तब जाकर विवादित क्या है उसमें, तो ऐसा उसमें आप विवाद क्या लगता है, विवादित नहीं है भाई, दिखा है ना वो एक स्वतंत्र सेनानी, दिखा है कि आरएसएस ने एक स्वतंत्र सेनानी पैदा किया था। 1942 का आंदोलन का विरोध किसने किया था, खत किसने निकाला था गांधी के खिलाफ, गांधी के आंदोलन के खिलाफ किसने कहा था कि ब्रिटिशों के साथ जाओ, पहले यहां के कम्युनिस्टों को से लड़ो, यहां के मुसलमानों से लड़ो, चातुर्वर्ण का समर्थन करो और फिर आजादी की बात करो, कौन बोला, हम तो नहीं बोले। तो ये क्या था, इसको अंग्रेजों को तलवे चाटना ही बोल रहा था ना, जब पूरा देश आजादी मांग रहा था तो 1942 में ये विरोध कर रहे थे आजादी का, ये इतिहास बताता है, ये जितेंद्र रावण नहीं बताता है। इतिहास की जो पन्ने पे लिखा है उसको सिर्फ जितेंद्र रावण दोहराता है। सीएच्या संदर्भामध्ये आता कायदा तयार झालेला आहे आणि तुम्ही आता एक प्रकारचा स्टंट करत आहे असं हिंदू राष्ट्र सेनेने आरोप केलाय। मी कोणाचा मर्डर न करता फक्त लोकशाही मार्गाने बोलतोय, ज्यांनी आयुष्यात रक्तपात केलाय त्यांना लोकशाही समजणार नाही, हक्क आणि अधिकार समजणार नाही, त्यांच्याकडनं त्यांचं सल्ले घेण्याची मला गरज पण वाटत नाही। संघटनेने जी आपली सभा होते ती उधळून लावण्याचा इशारा पण दिलेला आहे त्यांनी। तेवढंच काम आहे त्यांचं, लोकांना लोकांची हत्या करणं, हे उडवणं, बॉम्बस्फोट करणं, लोकांना सतावणं, ब्लॅकमेलिंग करणं, नंग्या तलवारी नाचवणं, आम्ही गांधीजींचे वारसदार आहोत। या असली गोष्ट आम्हाला जमत नाही, आम्हाला संविधान वाचवायचंय आणि त्यांना संविधान उडवायचंय, ते आमच्या हातनं होणार नाही। राज्य सरकार सीए संदर्भात काय निर्णय घेते वगैरे काही मुख्यमंत्री बोलतील ना या विषयावर, राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट आहे। सब जगह पे जो है तो सीए को खिलाफ प्रदर्शन हो रहे, कई स्टेट में सीए लागू नहीं करने की भी बात हो रही, तो महाराष्ट्र में होगा ऐसा है। हमने पहले ही हमारी भूमिका घोषित कर दी, उसका ऐलान हमने बहुत पहले किया है कि सीए कानून ये भारत के बहुजन समाज के खिलाफ है। अभी एक मेरा बयान चल रहा है, एक टीवी चैनल दिखा रहा है कि मैंने कहा हिंदुओं को कि भाई तुम्हारे बाप जादा कहां जलाए जाते तुमको पता है, मैं कहता हूं जितेंद्र रावण मेरे परदादा कहां जलाए गए थे मुझे मालूम ही नहीं। समाज व्यवस्था जिसके खिलाफ हम हैं, जिस मनुवाद के खिलाफ हम बात करते हैं, अरे तुमने तो गांव में आने नहीं दिया था, हमने मंदिर में जाने नहीं दिया था, पानी नहीं पीने दिया था, शमशान की क्या बात कर रहे हो। आज भी ऐसे कई जगह है जहां पे दलितों को, जहां पे यहां की जो जात जमात है जिसको हम विजयंटी कहते हैं, जैसे पारधी है, गोसावी है, कुडमुडे जोशी है, उनको आज भी शमशान तक नहीं जाने देते हैं। तो उसमें गलत क्या पूछा मैंने, ये व्यवस्था को मानने वाले लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है, ये छूत अछूत की जो परंपरा है वो हमने नहीं शुरू की थी, जिन्होंने शुरू की थी उनको ये सवाल है क्या तुमने हमारे लिए शमशान बनाए थे। मुसलमानों को हक का कब्रस्तान था, इनके कब्रस्तान देखो तो 500-500 साल जूने हैं, पुराने हैं, एक मुझे शमशान पटाइए जो 200 साल पुराना है। अरे भाई हम लोग जैसे जिए हैं, दुनिया में काले गोरे का भी विवाद है लेकिन इतना हीनता का जीवन शूद्र लोगों को जीना पड़ा, दुनिया में किसी कौम को नहीं जीना पड़ा, तो हम उसके खिलाफ हमारे मन में आज भी अंगार है और वो अंगार लगा रहेगा क्योंकि वो हमारे बाप जादाओं ने भुगता है। जब मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, जब पानी नहीं पीने दिया जाता था, किसी के ऊपर हमारी छाया गिर जाए तो जाके आदमी स्नान कर लेता है, तो क्या उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। यही है तो CINNRC, ये क्या है, हमारे बाप का जन्म कहां हुआ ये पूछने वाले आप कौन है भाई। सीएमओ के खिलाफ जो है तो एक तरह से साजिश हो रही है क्या ऐसा आपको लगता है कि, दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है तो महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो मुस्लिमों के हितों के लिए क्या करेगी, जिस तरीके से आरक्षण की मांग को भी देखो ऐसा है कि आरक्षण आ जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू दलित ये कुछ नहीं है, जो जो लोग परेशान है चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो,
यहां की महिलाएं हो, यहां विकास आघाड़ी उनके लिए काम करेगी। हो गया। थैंक यू।